खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। खबरी कहीं क्या? एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। देखो चांद आया, चांद नजर आया, आया 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 चांद आया, शर्माया दर्शक लोग आप ही तो हो हमारा चांद। कब से वेट कर रहे थे कि कब से तो आपसे मिले। देखो आपसे मिलने की खुशी में तो लाल हो गए हैं, लग रहे हैं ना कश्मीर की कली। हाँ तो हमको पता है कि आप, हाँ ससुर जैसे ना करो ना, हम अम्मा कहती है कि कश्मीर की कली हो, सुंदर हो। आपकी चिंटू के पापा भी बोलते थे ना। हाँ तो हम आपत्ति दे भी बोलते थे ना हमको। आजकल तारीफ नहीं करते हैं वो बात अलग है दर्शक लोग। वैसे लग कैसे रहे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, कैसे हैं आप सब लोग ही बताइए। का चल रहा है आजकल, का तो कर रहे हो आजकल? तो देखो ना ये साड़ी पहने हैं आप, बताएं नहीं हम पे ये कलर कैसा लग रहा है दर्शक लोग, तनिक बताइएगा ना हम पे कलर कैसा लग रहा है। अब वो दंगल तो देखे थे ना, दंगल दंगल मूवी देखे थे ना, उनकी जो सानिया मल्होत्रा जी नहीं है, उनकी मस्त वाली खबर लेके आए हैं कछु। चलिए फट से दिखाते हैं, फिर चर्चा करते हैं। चलिए सानिया मल्होत्रा का कहना है कि दंगल के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद वह काफी निराश थी। जी हाँ सही सुना आपने, दंगल में आमिर खान के साथ बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत करने वाली सानिया मल्होत्रा ने कहा कि फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद वह काफी निराश थी, क्योंकि उन्हें पता चला कि वह लगभग 30 लड़कियों में से एक है। हालांकि उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि उन्हें यह रोल जरूर मिलेगा। नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित दंगल पहलवान महावीर सिंह फोगाट की कहानी थी, जो अपनी बेटियों गीता और बबीता को राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिस्पर्धा करने और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के अपने सपने को पूरा करने के लिए ट्रेन करते हैं। सानिया ने इसमें बबीता फोगाट का किरदार निभाया था। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान सानिया से पूछा गया कि उन्होंने इस भूमिका को कैसे दिखाया। जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया। वास्तव में जब मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया था तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने 5 से ज्यादा शॉर्टलिस्ट किए हैं। जब मैं वहां ऑडिशन के लिए गई तो वहां ऑलमोस्ट 29 से 30 लड़कियां थी जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था और मैं काफी निराश थी, लेकिन साथ ही मैं काफी पॉजिटिव थी कि मैं फिल्म में रहूंगी। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन किसी फिल्म के लिए यह मेरा पहला ऑडिशन था और मुझे इतना भरोसा था कि कुछ भी हो मैं इसे क्रैक कर लूंगी। मुझे नहीं पता था, मुझे बस वो एहसास था, शायद मेरा इंट्यूशन था, मुझे बता रहा था कि मैं इसे बनाने जा रही हूँ। बता दें कि उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि वह और फातिमा सना शेख, जिन्होंने दंगल में उनकी बड़ी बहन गीता फोगाट की भूमिका निभाई थी, उन्होंने अनजाने में अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्क्रिप्टिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, अब हम जानते हैं कि इसे स्क्रिप्टिंग कहा जाता है, लेकिन उस समय यह ऐसा था, ठीक है हमें कुछ चाहिए और हम इसे लिखने जा रहे हैं, और हम एक साथ बैठकर यह प्रकट करते थे कि हम में से किसको भूमिका मिलनी चाहिए। हम काफी खुश हैं कि हमें यह मिली। बता दें कि दंगल के बाद सानिया और फातिमा ने अनुराग बसु की लूडो में अभिनय किया, लेकिन फिल्म में एक साथ कोई सीन नहीं था। वे जल्द ही मेघना गुलजार की सैम बहादुर में दिखाई देंगी, जिसमें विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की भूमिका में है, जिन्होंने 1969 से 1973 तक सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं इनको फिल्म में देखने के लिए। का कहते हो दर्शक लोग, दंगल तो मचेगा अभी चिंटू के पापा। हम बताते हम तारीफ नहीं करते हो आजकल ना, हमको चाय पिलाते हो। दर्शक लोग हम इतने दिन हो गए, वो दिन नहीं आए थे उत्तरायण से पहले, तो बोले थे ना कि हमको चाय पीनी, नहीं पिलाए। दूसरे दिन वो सुशीला आई तो घड़े उसको बना के पिलाए हो। घड़े मतलब हम अम्मा के राजस्थान में घड़े बोलते हैं, घड़े बना के मतलब यूं ही बना के पिला, उनको तो पिला देते हो, हमको नहीं पिलाए। बहुत गलत बात है, देखा ससुर जी अपने बेटे का देखा कि नहीं पिला रहे हमको। कौन फोन कर रहा है? कोई फोन नहीं कर रहा है, हमको लगा आपको फोन कर रहा है, तो फोन भी नहीं करता है। हम हमारा खबरी करता है फोन, वही करता है। हम अपनी आंटी से प्यार कोई नहीं ना करता है घर में, हम हमा चिंटू हम तो लल्ला तो करता है ना। तो दर्शक लोग अब जाते हैं, फिर से आएंगे आपके लिए लेकर खबर। खैर इस खबर में तो इतना ही, तो ढल गया दिन हो गई शाम, अब जाते हैं जयराम जी की।